हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो यार, आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारे चैनल की 200th वीडियो होने वाली है। एंड धीरे धीरे करते करते हम 200वीं वीडियो पे आ चुके हैं। सो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी का मौका है एंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी था मैं 200वीं वीडियो बनाने को। तो जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है टॉप 20 बेस्ट अवतार्स, मतलब स्ट्रॉन्ग रैंक नहीं किया मैंने, टॉप 20 बेस्ट लुकिंग अवतार, कि कौन कितना ज़्यादा मस्त दिखता है, कूल दिखता है एंड कितने इसमें कितने यूनिक डिज़ाइन है कौन कौन से अवतार में। सो यही पॉइंट्स रख के मैंने अवतार्स को रैंक किया है। तो ये होने वाला है इस वीडियो का पार्ट वन, मतलब इस वीडियो के दो पार्ट होने वाले हैं। तो ये है पार्ट वन एंड पार्ट टू बाद में आएगा ऑफ कोर्स। एंड या ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो मतलब बनाने में इतना ज़्यादा मेहनत लग रही है ना, जितना मैंने अवतार्स को इतनी क्लियरली देखा हो, एक एक उनका पॉइंट नोटिस किया हो एंड देन मैंने इस लिस्ट को बनाया हो। सो मतलब आप दुखी मत होना कि आपका फेवरेट अवतार ऐसा नहीं आया। सो क्या कर सकते, आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इसीलिए मतलब मैं बता रहा हूँ ना, लिटरली इसमें मैंने ऐसे ऐसे अवतार्स को लिया है जो आपने इमेजिन भी नहीं किए होंगे आ सकते हैं। ये तो पार्ट वन है, पार्ट टू में तो ऐसे ऐसे लिया है एंड ऐसे ऐसे आए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत बकवास हो गई, अब बिना किसी बकवास के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं बता दूं सबसे पहले कि जैसे कि मैंने फैफनियर को लिया, तो मैं कोई भी एक ही फैफनियर ले सकता हूँ। जैसे मैंने अभी ड्रेन फैफनियर को ले लिया 20th पोजीशन पे या कोई भी पोजीशन पे, सो उसके बाद मैं और कोई फैफनियर नहीं ले सकता। मतलब समझिए, चलो जैसे कि वैल्क्री, स्प्रिगन या अकेली जो ले लिया, तो सिर्फ एक ही ले सकता हूँ, मतलब सबसे बेस्ट वाला ही चुनूंगा ऑफकोर्स अगर आए तो। सो जो अवतार नंबर 20 पोजीशन पे आता है वो है जजमेंट जोकर। सो अब अगर हम बात करें जोकर के अवतार की, तो सबसे पहले इसका फेस दे सकते हैं आप। यार इसका फेस मतलब समझ रहे हो ना, वो पिंक आई एंड पिंक आई में लेफ्ट वाली आई में देख सकते हैं आप स्कार है उसके, मतलब नीचे से ऐसा थोड़ा सा ऐसी पॉइंट डायमंड वन जो मतलब कटा हुआ है बोल सकते हैं हम वैसे टाइप में। एंड मुंह डेफिनेटली ईविल दिख रहा है। एंड बाद में इस पिक की बात करें तो इस पिक में आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा ऑसम सा लग रहा है। एंड ये आता है अपना जो साइथ रहता है उसको घुमाता है एंड फाइनली हमें फुल अवतार दिखता है। एंड यार इसके अवतार में एक स्पेशल चीज़ है कि जब दूसरे अवतार मतलब ऐसी शाइन निकलते हैं आजू, बट इसके इसमें आप देख सकते हैं कार्ड्स में जो हार्ट होता है, एस और डायमंड होता है वैसे टाइप के, वो पत्ते समान जो रहते हैं ना वो निकलते हैं। एंड देख सकते हैं आप इसका अवतार, डेफिनेटली इसकी टोपी जो मुकुट है क्या है मतलब समझ नहीं आ रहा है, जो भी इसका है सर पे, बहुत ज़्यादा ऑसम एंड परफेक्टली जोकर के अवतार से इसको बनाया गया है। डेफिनेटली पूरा ही पूरा ईविल दिख रहा है ये। नंबर 19 सेलेमेंडर। सो या अगर टॉप 20 बेस्ट लुकिंग अवतार की बात है और हेल सेलेमेंडर ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब हेल सेलेमेंडर यार पोकेमोन देखा ही होगा आप सबने, उसमें जो चारिजार्ड होता है एंड वो लीजर्ड के हिस्से ही होता है बट ड्रैगन समान दिखता है, तो उसी पे बेस्ड है हेल सेलेमेंडर भी। मतलब लीजर्ड के हिस्से ही है बट ड्रैगन है, एक्चुअली ड्रैगन भी तो लीजर्ड ही माने जाते हैं ना। जोक सब पार्ट, बट यार हेल सेलेमेंडर का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा कूल एंड हमें एक बहुत ज़्यादा ईवल सा लुक देता है, बिकॉज इसकी पर्पल एंड डार्क पिंक फ्लेम जो है बहुत ही ज़्यादा मस्त है। एंड उतना इसमें मतलब इसको कुछ पहना है जैसे कि आर्मर उमर नहीं है, बस ब्लैक कलर का एक कुछ तो भी दिया हुआ है एंड ब्लू और ग्रे कलर में कुछ तो भी दिया हुआ है, बट आखिरी में जो ये आग निकालता है एंड इसकी आवाज़ आती है, चिड़िया सामान आती है ना, इसकी झाँव करके चिल्लाता है एंड ऊपर जाता है तो बहुत मस्ती दिखता है। एंड देख सकते हैं आप फाइनल लुक कितना मस्त दिख रहा है हेल सेलेमेंडर का। सो नंबर 18 पे आते हैं दो, जो कि हुआ है टाई दो अवतार के बीच में, जो कि है लॉन्गिनस एंड फैफनियर। या आई नो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट लॉन्गिनस एंड फैफनियर से भी कई ज़्यादा अच्छे डिजाइन वाले अवतार हमें इनके ऊपर देखने को मिलेंगे। सो सॉरी फॉर कि ये नीचे आए, अब गाली मत लिख देना, बट डेफिनेटली इसके जो ऊपर के अवतार हैं इन दोनों के, वो इनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। सो दैट्स वाई लॉन्गिनस एंड फैफनियर नंबर 18 पे आ रहे हैं। एंड अब बात आती है कि कौन सा लॉन्गिनस एंड कौन सा फैफनियर। सो अगर लॉन्गिनस की बात करूँ तो मैंने लिया ब्लडी लॉन्गिनस, एंड फैफनियर की बात करूँ तो मैंने लिया है वैनिश फैफनियर के अवतार को। सो अगर लॉन्गिनस की बात करूँ तो डेफिनेटली ब्लडी लॉन्गिनस का डिज़ाइन सभी लॉन्गिनस में सबसे बेस्ट है, बिकॉज एक ईवल सा लुक देता है एंड कूल सा लुक देता है एंड इतना ज़्यादा भयंकर लगता है ना लॉन्गिनस, ब्लडी लॉन्गिनस, हम नाम में ही ब्लड तो भाई सोच ही सकते हैं। एंड देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा कूल सा लग रहा है, ओ भाई साहब। एंड देख सकते हैं उसके हाथ में भी ड्रैगन का मुंह बना है एंड डेफिनेटली लॉन्गिनस बेब्लेड में भी ड्रैगन का मुंह रहता है। अब ऐसा कौन सा बेब्लेड है लॉन्गिनस है जिसमें ड्रैगन का मुंह नहीं बना है, मतलब लॉन्गिनस का फेस ही नहीं बना है। सो यार इसलिए ब्लडी लॉन्गिनस हमारे नंबर 18 पे आता है। एंड अब अगर बात करें फैफनियर की, सो वैनिश फैफनियर मुझे बेस्ट लगा डिज़ाइन के मामले में। एंड देख सकते हैं मतलब येलो येलो, यार मेरे को पर्सनली ये कलर पसंद नहीं आता यार, मतलब फ्री इतना कूल दिखता है, फैफनियर भी बहुत कूल दिखता है बट फ्री जितना कूल फैफनियर को मेरे हिसाब से तो नहीं दिखाया गया। एंड इससे ज़्यादा कूल डिज़ाइन बनाया जा सकता था फैफनियर का, बिकॉज फ्री इतना ज़्यादा कूल हॉट एंड कितना मस्त दिखता है यार फ्री डेलो, एक बार फ्री को देख लो
मतलब इतना ही देखते जाओ मन नहीं भरता। बट फैफनियर को और ज़्यादा कूल एंड ईविल बनाया जा सकता था फ्री के लेकर, बट नहीं बनाया, बट जितना बनाया ठीक ही है। एंड वैनिश फैफनियर की बात करें सो डेफिनेटली ड्रैगन का किंग लगता है, एंड जब वो चिल्लाता है एंड लास्ट में ऐसी फ्लेम निकलती है सब बेस्ट लगता है। एंड डिज़ाइन की बात करो तो उतना कुछ खास तो नहीं है, एंड बस वो पूछ में जो ड्रैगन है वो देख सकते हैं आप। एंड अगर बात करो इन दोनों को मैंने साथ में क्यों लिया, बिकॉज फ्री एंड लुई एक साथ रहते हैं तो मैंने इसलिए इन दोनों को साथ में ले लिया। वैसे तो मेरा लेने का विचार नहीं था टॉप 20 में, बट हाँ ले ही लिया। चलो तो अब चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। सो नंबर 17 में आता है एयर नाइट। सो एयर नाइट किट का बेब्लेड है, एंड आप देख सकते हैं किट का मतलब जो एयर नाइट का फेस है कितना ज़्यादा कूल, एकदम नाइट हमें समझ ही जाता है। नाइट मतलब वॉरियर्स हुआ करते थे, जिसने भी बेंटन देखा है उन्हें पता ही है कि नाइट्स कौन होते हैं। एंड फेस पूरा ऑफकोर्स, इसका पूरा जो बॉडी सिस्टम है यार सभी नाइट समान बनाया, मतलब एक सोल्जर समान बनाया गया है। एंड हाथ में जो इसकी स्वॉर्ड पकड़ाई गई है ना भाई, डेफिनेटली बहुत मस्त है। एंड स्पेशल चीज़ जो सबसे ज़्यादा मस्त दिखती है एयर नाइट में वो है इसके जो विंग्स निकलते हैं, एंड लिटरली इसके पंख जो है उनका जो कलर है ना वो पूरा ही पूरा सूटेबल है इनके पंख से लिए, बिकॉज देख सकते हैं आप शाइनी ब्लू कलर है। एंड आर्मर की बात करें तो आर्मर भी डेफिनेटली नाइट समान बनाया गया है, एंड पूरा परफेक्ट डिज़ाइन है हमारे एयर नाइट का। तो अब आती है बारी नंबर 16 की। तो नंबर 16 में आता है बालकेश। बालकेश मतलब बहामुत। सो अब आप सोचोगे कौन सा बहामुत, एंड आधे से ज़्यादा लोगों ने सोचोगे भाई रोर बहामुत, बट नहीं मैं बात कर रहा हूँ डस्क बालकेश की, यानी कि ब्लिंड के बेब्लेड की। सो यार हम सबको पता है कि ब्लिंड कितना ज़्यादा वीक था, वीको का महाराज भी बोल सकते हैं हम इसे, बट इसका अवतार डेफिनेटली बीस्ट, मतलब पूरा ही बीस्ट दिखता है। एंड फेस की बात करें तो फेस ऑफकोर्स ड्रैगन, मतलब बहामुट ड्रैगन ही होते हैं ना या जो भी होते हैं, बट ड्रैगन में अगर बात करूँ तो फैफनियर लॉन्गनेस एंड हेल्थ एलिमेंटर से ज़्यादा अच्छा ये दिख रहा है ड्रैगन के मामले में, बिकॉज फेस पूरा ड्रैगन समान है, पूरा ईवल। एंड पूरा बेब्लेड का जो कलर है ना वो हमें इसके अवतार में देखने को मिल सकता है, मतलब पिंक भी है, ब्लू भी है, गोल्डन भी है, एंड जो मेन कलर रहता है डार्क जो भी कलर है ये वैसा भी पूरा दिख रहा है। एंड डेफिनेटली इसका डिज़ाइन जो इसकी पूछ देख सकते हैं आप, मतलब त्रिशूल समान इसकी पूछ में दिख रहा है, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। एंड मेरे हिसाब से तो ब्लडी लॉन्गनेस एंड वैनिश फैफनियर से ज़्यादा अच्छा इसका डिज़ाइन है। तो अब चलते हैं नंबर 15 पे। सो अब आता है नंबर 15। तो नंबर 15 में आता है लूसिफर दी एंड का अवतार। अब मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की तो मुझे इसका फेस कट सबसे ज़्यादा बेस्ट में से एक लगता है। एंड यार इसकी आँख देखो, इसकी आँख इतनी ईवल रहती है, मतलब जब तक चमकती नहीं है इसकी आँख तब तक देखो एकदम पतला सा हमको आई बॉल उसका क्या बोलते हैं जो मेन रहता है वो दिख सकता है, इतना भयंकर बिल्ली समान भाई क्या ऑसम दिख रहा है। एंड इसका फेस कट ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, फेस कट मतलब क्लियर तो नहीं दिख रहा है बट इसका फेस कट हमें देख सकता है कि कितना ज्यादा मस्त है। एंड जो आंखी के नीचे सा ब्लड समान है पिंक कलर का वो भी बहुत मस्त है। एंड फाइनल ब्लो जो भी निकलता है इसके पंख फुंख सब आ जाते हैं। एंड जो सर पे फ्लेयर है, मतलब फ्लेयर भी हमें दिखाई गई इसमें, तो कितना ज्यादा मस्त दिख रहा है। इसकी छाती का डिजाइन देख लो एक बार, मतलब पूरा परफेक्ट है ये नंबर 15 की पोजीशन में आने के लिए। सो नंबर 14 में आता है अकेलीस। तो अकेलीस का कौन सा अवतार भाई, डेफिनेटली इनफाइनाइट अकेलीस। सो अब हम डायरेक्ट इसके फेस पे आ जाते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि अकेलीस एक वॉरियर था एंड उसके सर पे हेलमेट उलमेट सब रहता था, तो देख सकते हैं आप उसका ताज जो भी बोल सकते हैं मुझे, उसका फेस मतलब यार पूरा कितना ऑसम सा दिख रहा है। एंड देन इसकी जो है पूरा फेस देख सकते हैं, जो मुकुट में रेड रेड भी है वो भी बहुत मस्त दिख रहा है। एंड देन आती है इसकी स्वॉर्ड एंड शील्ड। तो ब्लू स्वॉर्ड फॉर्म में इसकी जो स्वॉर्ड है उस पर ब्लू सा कवर आ जाता है लाइटनिंग ब्लेड का, एंड जो गोल्ड फॉर्म है उसमें शील्ड में गोल्ड सा आ जाता है। एंड डेफिनेटली यार इन सब जो इसके नीचे उतार है उनसे बेस्ट डिज़ाइन है अकेलीस का, बिकॉज जो स्पार्किंग चीप हमें छाती में दिखाई गई है वो भी बहुत ज़्यादा मस्त है। इसकी शील्ड का डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा मस्त है, एंड इसकी स्वॉर्ड का डिज़ाइन तो अब तक का बेस्ट डिज़ाइन है स्वॉर्ड्स में, तो डेफिनेटली ये नंबर 14 पोजीशन डिजर्व करता है। सो नंबर 13 में आता है स्प्रिगन। सो आई नो कि टर्बो तक इसकी एक्स एंड इसका फेस का डिज़ाइन बहुत ही बेकार था एंड बहुत नकली लगती थी इसकी एक्स तो, बट स्पार्किंग एंड डीबी में मतलब इसका डिज़ाइन इतना ज़्यादा कूल कर दिया गया ना, तो मैं ले रहा हूँ अस्ट्रल स्प्रिगन को जो कि डीबी का स्प्रिगन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फेस डिजाइन की बात कर तो डेफिनेटली एक स्प्रिगन वाला लुक देती है, जो आंख है वो ब्लू है, एंड फेस भाई दांत तो देखो ही मत भाई इतने भयंकर दिख रहे हैं। एंड पूरा इसको गोल्डन सा कवर दे दिया गया, एंड एक आर्मर पहना दिया गया जो कि स्प्रिगन को नहीं पहनाया गया था, बट पहनाने के बाद देख सकते हैं आप स्प्रिगन कितना मस्त दिख रहा है। एंड डेफिनेटली आंख में इसके स्कार भी है जो कि शुक्र नायक के आंख में भी स्कार था। एंड बात करूं इसकी एक्स की तो भाई एक्स को तो देखो ही मत इतना जबरदस्त का एक्स है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से एस्ट्रल स्प्रिगन इनफाइनाइट अकेलीस से अच्छा दिखता है एंड नंबर 13 पोजीशन डिजर्व करता है। सो अब बारी आती है नंबर 12 की। तो नंबर 12 पे जो अवतार आता है वो यार डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मस्त अवतार है, मैं बात कर रहा हूँ कर्स सातान की। सो सातान के अवतार डेफिनेटली सातान सुन के मैं समझ में आ जाता है कि डीमन है। एंड या इसकी फेस डिज़ाइन की बात करो तो वन ऑफ द बेस्ट ड्रैगन डिज़ाइंस में से एक है इसका फेस, एंड देख सकते हैं इस फेस भाई कितना कूल दिख रहा है, मतलब आग चमक रही है। एंड इसका फेस डेफिनेटली एक ईवल सा लुक दे रहा है, एंड जितने नीचे अवतार है उन सबसे बेटर डिज़ाइन है फेस में भी इसका। एंड आँख में देख सकते हैं हम आईब्रो में मतलब ऐसा फ्लेयर एंड आग की जो लपटे होती है उनके समान दिया गया है, एंड मुंह में भाई
ये जो निकला है ऐसी ईवल सा क्या है वो मालूम नहीं, कोई वेपन सामान दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा मस्त है। एंड या इसे आर्मर उमर तो पहना है नहीं गया था, बट इसके हाथ में हमें सातन यूनिवर्स जो बोलते यूनिवर्स ड्रिफ्ट जो ड्राइवर था इसका उसके ही सामान दे दिया गया। इसके हाथ में दो यूनिवर्स जुपिटर सैटर्न जो जुपिटर सैटर्न यार जो भी बोलते हैं वो। एंड लास्ट में इसका जो हथियार आता है त्रिशूल सामान ईवल सा, वो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन है अब तक का पूरे बेब्लेड बॉस हिस्ट्री में। सो अब बारी आती है इस वीडियो के लास्ट अवतार की, यानी कि नंबर 11th पोजीशन की। सो नंबर 11th में जो अवतार आता है वो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन है एंड अब तक जितने भी नीचे बताए गए उन सबसे ज्यादा अच्छा डिजाइन रखने वाला अवतार है। मैं बात कर रहा हूँ प्राइम अपोकैलिप्स की। सो अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट इसके फेस पे। तो फेस की बात करें तो फेस बना है गोल्डन रेड सिल्वर ब्लैक डिजाइन में, मतलब कलर्स में। एंड डेफिनेटली गोल्डन हमें ज्यादा देखने को मिलता है इसके फेस में प्रॉबेबली। एंड जो ग्रे ग्रे है वो ऐसी जॉ में दिया गया है। एंड इसके अंदर की जीप पर्पल, भाई यार पर्पल जीप वाले जितने भी अवतार है वो इतने ज्यादा कूल दिखते हैं ना। एंड या इसके पार्ट टू में जितने हैं मतलब पर्पल जीप बहुत सारे इसमें रह सकती है, या हिंट दे रहा हूँ एक। एंड जो आंख है इसकी रेड कलर की, एंड डेफिनेटली एक कूल सा हमें डिजाइन देखने को मिलता है इसके फेस का। एंड बात करूँ पूरी बॉडी की तो जितने भी मतलब ड्रैगन टाइप के अवतार हैं उनमें सबसे बेस्ट है अब तक का ये, जितने इस वीडियो में मैंने बताया हो पहले ही बोल दूँ। बिकॉज यार गोल्डन एंड इसे बहुत ही ज़्यादा ओवरवर्क्ड किया गया है एंड ओवरवर्क डेफिनेटली इसमें कूल दिख रहा है। एंड जो पेट में एक लाल सा बॉल दिया गया है वो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट लग रहा है इसके जो पर्सनल डिजाइन में उनमें से। सो दैट्स वाई यार इसके डिज़ाइन को आप खुद ही देख लो एंड फिर अपने जितने भी इसके नीचे अवतार दिखाए गए उनका डिज़ाइन देख लो, आपको डेफिनेटली प्राइम अपोकैलिप्स का ये डिज़ाइन बेस्ट लगेगा। सो दैट्स वाई ये मेरी लिस्ट में नंबर 11 पे आता है। सो गाइस मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब आप सोच रहे होगे कि यार जितने भी मतलब पॉपुलर अवतार थे वो सब तो आ ही चुके, तो यार जो अगला पार्ट आएगा उसमें 10 अवतार कौन से रहेंगे। भाई मैं बता रहा हूँ उसमें जो 10 अवतार रहेंगे एंड जो नंबर 1 पे स्पेशली वो तो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। एंड 1 तो भी ठीक है, 1 तो सुना भी होगा। एंड जो थर्ड पोजीशन में यार लिटरली उसको तो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कौन है, मतलब 1, 2 एंड 3 जितने वो सब डेफिनेटली जितने पॉपुलर थे उनसे थोड़े कम पॉपुलर है एंड कुछ तो पॉपुलर है भी नहीं कुछ भी, बट उनका डिजाइन बहुत ही ज्यादा मस्त है। सो दैट्स वाई जो पार्ट टू होने वाला है वो वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज होने वाली अब तक की मेरी, अब तक की मतलब जितनी भी आई उनमें से सबसे बेस्ट वीडियो भी हो सकती है। बिकॉज मतलब अनएक्सपेक्टेड उसमें कोई भी पोजीशन में कोई भी अवतार आ सकता है। डिज़ाइन पे लिया मैंने पहले ही बोला, ब्लेडर से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है एंड उसकी पावर से भी मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। सो दैट्स व्हाई जो अगला पार्ट होने वाला है वो टोटली अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे धमाकेदार बेब्लेड बॉस की वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो का लाइक मैं आप पे छोड़ता हूँ एंड व्यूज भी मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। वैसे तो आप अभी फिलहाल अच्छे व्यूज भी दे रहे हो मेरी वॉइस ओवर वीडियो में, सो यार ऐसा ही मतलब अच्छे व्यूज देते ही रहना एंड फुल सपोर्ट करना बेब्लेड ब्रदर्स को। तो मैं लोग आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहो एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।